हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है। मैं नॉर्थ ईस्ट को उसी तरफ विकसित होते देख रहा हूं जैसा पूर्वी एशिया को दुनिया देखती है। आज नॉर्थ ईस्ट होते हुए दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। आज यहां साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसके कॉरपोरेशन के तहत भी अनेक सड़कों को अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है। आप कल्पना कीजिए, जब कनेक्टिविटी के ऐसे सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। मैं जानता हूं कि असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पूर्वी एशिया जैसा विकास यहां देखे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा को बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, आपका सपना मोदी का संकल्प है और आपके सपने पूरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है। हमने पहले की सरकारों की सोच को भी बदल दिया है। मैं नॉर्थ ईस्ट को उसी तरफ विकसित होते देख रहा हूं जैसा पूर्वी एशिया को दुनिया देखती है। आज नॉर्थ ईस्ट होते हुए दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया की कनेक्टिविटी का विस्तार हो रहा है। आज यहां साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, उसके कॉरपोरेशन के तहत भी अनेक सड़कों को अपग्रेड करने का काम शुरू हुआ है। आप कल्पना कीजिए, जब कनेक्टिविटी के ऐसे सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो हिस्सा व्यापार कारोबार का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। मैं जानता हूं कि असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा का भी यही सपना है कि वो भी पूर्वी एशिया जैसा विकास यहां देखे। मैं असम के नॉर्थ ईस्ट के हर युवा को बताना चाहता हूं, मेरे युवा साथियों, आपका सपना मोदी का संकल्प है और आपके सपने पूरे हो इसके लिए मोदी अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा और ये मोदी की गारंटी है।